वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मेल दुर्खीम। इनका जन्म 1858 में और इनकी मृत्यु 1917 में हुई थी। इनके बारे में हम लोग थोड़े सी चर्चा कर लेते हैं कि 15 अप्रैल 1858 में एपिल में जन्म हुआ था इनका। और ये जो है जर्मन सीमा पर स्थित फ्रांस में लॉरेन प्रांत में था। वे एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से थे और इनके पिता, दादा तथा परदादा सब यहूदी परिवार के ही यहूदी पादरी थे। इन्हें भी प्रारंभ में धार्मिक स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। ये 1876 में पेरिस के एकोल नॉर्मल सुपेरियो में दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए इनका दाखिला हुआ। तत्पश्चात इन्होंने 1887 में बोर्डियो विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा के लेक्चर के लिए नियुक्त हुए। उसके बाद इन्होंने 1893 में डॉक्टर शोध पत्र डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रकाशित की। इनका जो शोध का टॉपिक था वो डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी था और ये इनकी बुक भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है 1895 में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1897 में फ्रांस के प्रथम सामाजिक विज्ञान जर्नल एनी सोशियोलॉजिकल का प्रारंभ और अपना प्रसिद्ध अध्ययन पत्र सोसाइट प्रकाशित किया। सोसाइट जो है आपका 1897 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1902 में यानी 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से जुड़े जो 1913 में शिक्षा एवं समाज शास्त्र के नाम से जाना गया। इसके बाद 1912 में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजन्स लाइफ पुस्तक प्रकाशित हुई। इसके बाद इन्होंने 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अपने बेटे आंद्रे की मृत्यु के सदमे के कारण 59 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया था। 1917 में इनका निधन हो गया था। इसके बाद इनकी जो आयु थी वो 59 वर्ष की थी। इसके बाद इन्होंने जो है कह सकते हैं कि जो इनका जो ये तो इनका जीवन परिचय हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रत्येक वर्ग में जो सजगता थी या सतत रूप से नहीं पाई जाती थी, प्रत्येक वर्ग में जो सततता थी वो जो है एक तरह से उसमें सतत रूप में नहीं पाई जाती थी। एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में कोई वर्ग किस प्रकार के से कार्य करेगा इसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। अतः कह सकते हैं जो मार्क्स के अनुसार आर्थिक प्रक्रियाएं ज़्यादातर वर्ग संघर्ष को जन्म देती थी। राजनीतिक सामाजिक स्थितियों पर भी निर्भर करता था। अनुकूलन परिस्थितियों के अंतर्गत वर्ग संघर्ष क्रांति के रूप में परिणित हुआ। अब हम एमाल दुर्खीम के बारे में थोड़े सा जिक्र करेंगे कि एमाल दुर्खीम जो थे वो समाजशास्त्र के औपचारिक संकाय के संस्थापक माने जाते थे, क्योंकि 1930 में इन्होंने हमने आपको ऊपर बताया था कि 1930 में पेरिस में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर थे, क्योंकि ये रूढ़िवादी यहूदी परिवार के जन्मे थे। दुर्खीम को जो है रेविनिकल विद्यालय, जो मतलब धार्मिक यहूदी विद्यालय कहा जाता था, उसको रेविनिकल विद्यालय कहा जाता है। प्रारंभ में इनकी शिक्षा इसके लिए इनको वहीं भेजा गया था। इसके बाद 1876 में जब उन्होंने इकोल नॉर्मल सुपेरियो में प्रवेश लिया तब अपने धार्मिक अभिन्यास से संबंध विच्छेद कर अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया। उनके नैतिक पोषण का उनके समाजशास्त्रीय चिंतन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। किसी भी समाज की जो मुख्य विशेषता थी वो उनके नैतिक संहिताएं होती थी। जो व्यक्ति आचरण को निर्धारित करती है, एक धार्मिक परिवार के आने के कारण धर्म संबंधित धर्म निरपेक्ष चिंतन उनके बेहद प्रिय था। और इनकी जो पुस्तक थी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ जो थी, उसमें इन्होंने अपनी इच्छा की पूर्ति
में अपने जो आखिर अपनी जो आखिरी उनकी जो पुस्तक थी उसमें अपनी जो उनकी इच्छा थी उसके बारे में उसमें उन्होंने लिखा था। दुर्खीम के लिए जो सामाजिक एक सामाजिक तथ्य था, मेन चीज़ क्या थी, सामाजिक तथ्य के बारे में, समाज को एक सामाजिक तथ्य के बारे में जानना चाहते थे। इनका जो मेन फोकस था, जो उनकी अवधारणा मेन थी, वो सामाजिक तथ्य थी जिनका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति से ऊपर था। वे बंधन जो मनुष्य को समूह के रूप में आपस में बांधते थे, समाज के अस्तित्व के लिए निर्णायक थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो बात कही कि सामाजिक एकता व्यक्ति पर दबाव डालते हैं, ठीक है, मानदंडों तथा अपेक्षाओं के अनुरूप हो, है ना, और उसके बाद विविधताएं एक छोटे दायरे में सीमित हो जाती हैं। जो विविधताएं होती हैं यानी ये व्यक्ति के जो व्यवहार हैं, प्रतिमान हैं, वो जो बाधित होते हैं, वो विविधताएं जो है एक कोने में सीमित, एक दायरे में सीमित हो जाती हैं। इसके बाद सामाजिक व्यवहार का पुनर्अनुमान संभव था क्योंकि व्यवहार प्रतिमान के साथ होता था, व्यवहार प्रतिमान के साथ होता था। इस प्रकार जो है इन्होंने जो कह सकते हैं कि अवलोकित व्यवहार के प्रतिमान को देखा और उनके जो मानदंड थे, जो संहिताएं थीं, जो सामाजिक एकता की एकता को पहचाना जा सकता था, उन्हें नियंत्रित करती थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो कहा कि जो अमूर्त चीज़ों को इन्होंने अस्तित्व, जो अमूर्त चीज़ें थीं उनको अस्तित्व में, जैसे विचार हैं, मानदंड हैं, मूल्य हैं इत्यादि को मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के प्रतिमान के अध्ययन से इन्होंने जो है आनुभाविक रूप से सत्यापित किया। इसके बाद दुर्खीम कहते हैं कि जो सामाजिकता का जो आचरण है उसकी जो संहिताओं में जो आचरण है वो संहिताओं में पाया जाता है। सामाजिकता का जो आचरण है वो उसकी संहिताओं में पाया जाता है ना, और उसके साथ पाया जाता है। यह जीवन के जो एक नैतिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें देखा जाता है। समाज की वैज्ञानिक समझ जिसे दुर्खीम ने विकसित करना चाहती थी, जो सामाजिक समझ थी उसको दुर्खीम जो है विकसित करना चाहती थी, वह नैतिक तथ्यों की मान्यताओं पर आधारित थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो बात कही उसमें इन्होंने ये कहा कि जो नैतिक तथ्य हैं वो अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं। वे क्रिया के जो नियम बने हैं, कोई भी क्रिया करने के लिए हमारे पास नियम बने होते हैं, वो नियम जो बने हैं जो विशेष रूप से गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं या अवलोकन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उसका अवलोकन वर्णन तथा वर्गीकरण किया जाता है, और वे विशेष कानून के द्वारा समझाए जा सकते हैं। इसके बाद नैतिक संहिताएं जो थी, जो नैतिक संहिताएं थी वो विशेष सामाजिक अव्यवस्थाओं की अभिव्यक्ति थी, है ना। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया तथा उनके ये जो कह सकते हैं बहुत ही जो है बृहत यानी विस्तृत उद्देश्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत ही निकट माने जाते थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि दुर्खीम का जो एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण था, समाज के बारे में क्या दृष्टिकोण था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि दुर्खीम की जो दृष्टि थी वो समाजशास्त्र में एक नवीन वैज्ञानिक संकाय के रूप में थी, है ना। इसकी दो विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों का अध्ययन, और दूसरी विशेषता जो थी इनकी वो विज्ञानों की तुलना में भिन्न था। समाजशास्त्र अपने आप में अन्य रूप से संबंधित था जिसे उन्होंने उद्गामी स्तर या अर्थात कह सकती हैं जटिल सामाजिकता का जीवन स्तर कहा। जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर कहा। इसके बाद कह सकते हैं जैसे उदाहरण में कि सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे धर्म है, परिवार है, सामाजिक मूल्य है ना, और या जैसे कह सकते हैं दोस्ती है या देशभक्ति है इत्यादि जो है इसी के अंतर्गत आती हैं। दूसरा हमारा था कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो अंगों में जिस प्रकार से बड़ा, मतलब अंगों से बड़ा है, हालांकि इसका निर्माण पूर्ण रूप से व्यक्तियों द्वारा होता है। एक सामूहिक
एक सामूहिक सामाजिक पहचान फुटबॉल या क्रिकेट टीम में मात्र 11 व्यक्तियों के समूह से अलग 11 व्यक्तियों के समूह से अलग तथा अधिक होती है। जैसे कि सामाजिक पहचान, उसको हम सामाजिक पहचान कहेंगे। जैसे टीम हो गई, राजनीतिक पार्टियां हो गई, ग्रुप हो गए, धार्मिक समुदाय हो गए, राष्ट्र हो गए, ये सब हमारे इसी के अंतर्गत आएंगे। तो व्यक्ति के जो स्तर से नहीं बल्कि क्या है ना, अन्य वास्तविकताओं के स्तर से संबंधित होती है, यही उनका उद्गम स्तर है। कहने का मतलब है कि जो दुर्खीम थे वो वास्तविकताओं पर भी विशेष बल देते थे, उनको उसी स्तर को इन्होंने उद्गम स्तर कहा। दुर्खीम के जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का जो दूसरा चरण था, दूसरा चरण जो दूसरी विशेषता थी, वो थी आपकी अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसे भी वो आनुभाविक विज्ञान बनाना चाहते थे, आनुभाविक विज्ञान होना चाहते थे, बनाना चाहते थे। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि जो सामाजिक प्रघटनाएँ हैं अपनी प्रकृति में ही अमूर्त होती हैं, उन्होंने कहा कि जो सामाजिक प्रघटनाएँ हैं वो अपनी प्रकृति में ही अमूर्त होती हैं। हमें सामूहिक पहचान के रूप में, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे समुदाय है, बंगाली समुदाय है, या कोई बंगाली है यानी बोलने वाले समुदाय, या नेपाली या मिश्र राष्ट्र के समुदाय को इसमें देखा जाता है। कम से कम हम उन्हें उसी तरह सीधे रूप में नहीं देख सकते जिस प्रकार से हम एक पेड़ या लड़का या बादल को देख सकते हैं। यदि सामाजिक प्रघटना छोटी हो तो भी जैसे एक परिवार या नाट्य समूह, हम सीधे तौर पर उन व्यक्तियों को देखते हैं जो इसे सामूहिकता का निर्माण करते हैं, जो इस सामूहिकता का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो सामूहिकता का निर्माण करते हैं कह सकते हैं ना। तो दुर्खीम के जो थे वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो उनकी थी वो इस तथ्य को दर्शाती थी कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अमूर्त तथ्यों जैसे सामाजिक तथ्यों का विज्ञान हो सकता है, जो अवलोकन आनुभाविक इंद्रियानुभव सत्यापनीय साक्ष्यों पर आधारित होता है। इसके बाद कह सकते हैं कि जो सामाजिक तथ्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सामाजिक तथ्य क्या है। सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह होते हैं, वे व्यक्तियों के बाह्य होते हैं परंतु उनके आचरणों को बाधित करते हैं। कानून, शिक्षा तथा धर्म जैसी संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का गठन करती हैं। सामाजिक तथ्य सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं जिसका उद्भव व्यक्तियों के संगठन से होता है। वे व्यक्ति विशिष्ट के लिए ना होकर सामान्य प्रकृति के होते हैं और व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। मान्यताएं, संवेदनाएं या सामूहिक मान्यताएं इसका उदाहरण है। जैसे कह सकते हैं जो मान्यताएं हैं या संवेदनाएं हैं या सामूहिकता हैं, इसका उदाहरण है। ठीक है, और जो सामाजिक तथ्य हैं वो आत्महत्या की औसत दर समुदाय में हजारों की संख्याओं में भी होती है। अतः जो सामाजिक तथ्य का अवलोकन सामाजिक व्यवहारों से और मुख्यतः सामाजिक व्यवहारों के कुल प्रतिमानों से भी किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है जो नवीन आनुभाविक आंकड़ों पर भी आधारित होता है। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं जो आत्महत्याओं का प्रत्येक अध्ययन जो विशिष्ट रूप से एक व्यक्ति की उस परिस्थितियों से संबंधित होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं समाजशास्त्र में श्रम विभाजन की। समाजशास्त्र में जो श्रम विभाजन की जो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, जो इनका शोध पत्र भी इन्होंने इसमें प्रस्तुत किया था, वो था द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 में इन्होंने प्रकाशित की थी। उसमें इन्होंने कहा था कि समाज के आदिम से आधुनिक तक के उद्विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण की अपनी विधि को इन्होंने इसमें स्पष्ट किया था। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया जो उस समाज में विद्यमान थी, है ना। आदिम समाजों का संगठन यांत्रिक एकता के लिए किया गया। इन्होंने दो एकताएं, दो चीज़ बताई थी, आधुनिक समाज और यांत्रिक एकता और सावयवी, मतलब यांत्रिक एकता और सावयवी एकता, दो प्रकार के इन्होंने बताए थे। तो यांत्रिक एकता में आपका आदिम समाज आ जाता है और उसमें ही वही आधुनिक समाज का आधार
और सव्य भी एकता पर आधारित है, यानी कह सकते हैं कि जो आदिम समाज का जो संगठन है वो यांत्रिक एकता पर आधारित था, वही आधुनिक समाज का आधार सव्य भी एकता पर आधारित था। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती थी तथा कम जनसंख्या वाले थे, है ना, कम जनसंख्या वाले थे, और साथ ही साथ यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह कहे जाती थी। व्यक्तियों की एकता या आपसी बंधन समरूपता तथा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होती थी, है ना। इसमें ये यांत्रिक एकता जो थी वो जो आपकी क्या नाम व्यक्तियों की एकता या आपसी बंधन समरूपता तथा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होती थी। इसमें जो समाज के किसी भी मानदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जा सकता था। कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी जो कानून बनाए जाते थे वो जाते थे वो सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जाता था, सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जाता था, ऐसा ठीक है रोका जाता था। व्यक्ति तथा समाज आपस में एक दूसरे से जुड़े थे, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद हमारी आती है आधुनिक समाज, है ना, आधुनिक समाज या सव्यवी एकता। तो ये एक दूसरी विशेषता हो गई इनकी, दो विशेषताएं यांत्रिक एकता और सव्यवी एकता। तो सव्यवी एकता और यह सदस्यों की विषमताओं पर आधारित होती है, ये वृद्ध जनसंख्या होती है उसमें, क्या यांत्रिक एकता में कम जनसंख्या होती है, इसमें जो है सव्यवी एकता में विस्तृत जनसंख्या होती है, वृद्ध जनसंख्या या ज़्यादा अधिक जनसंख्या होती है, और जहाँ सॉरी जनसंख्या होती है। इसके बाद सामाजिक संबंध अव्यक्तिक होते हैं, उसमें व्यक्तिक होते हैं। इसे आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों डिफाइन करते जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सामाजिक संबंध अव्यक्तिक होते हैं किसमें, आधुनिक समाज में सव्यवी एकता में, और उसमें व्यक्तिक होते हैं, है ना। इसमें स्वावलंबी ना होकर अपने उत्तरजीवी की दूसरी इकाई या समूह पर आश्रित होते हैं, इसमें स्वावलंबित ही समूह पाए जाते हैं, इसमें स्वावलंबी समूह नहीं होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो आधुनिक समाज के जो कानून हैं दमनकारी ना होकर क्षतिपूर्वक प्रतिकारी प्रवृत्ति के होते हैं। इसका अर्थ हम लोग ये लगा सकते हैं कि जो आधुनिक समाज में कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपराधी कृत्यों से सुधार लाना या उसे ठीक करना, ठीक इसके विपरीत आदिम समाजों में कानून द्वारा गलत कार्य करने वाले को सजा दी जाती थी। समझ में आ गया, आदिम समाज जो था उसमें कानून द्वारा जो गलत कार्य करता था उसको वो सजा देते थे, ठीक है, और देते दिया जाती थी। और इसके साथ साथ जो एक प्रकार से अनेक जो कृत्य थे सामूहिक प्रतिशोध होता था वो आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वभावतः शासन की कुछ छूट थी, जबकि आदिम समाजों में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में लिप्त था। अब बात करते हैं कि जो आधुनिक समाज की जो एक प्रमुख विशेषताएं थीं कि जो समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के करीब आकर समूह और संगठन बना लेते हैं, है ना, समूह और संगठन बना लेते हैं। ये समूह एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, यह व्यक्ति को समाज की छत्र छाया से बाहर निकाल उनके प्रकार तथा भूमिकाओं का निर्वाह करने में तथा अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की जरूरत होती है। जो बुनियादी आवश्यकताओं की जो बात करी थी वो दुर्खीम ने करी थी। तो बुनियादी आवश्यकताएं हमारी कौन सी होती हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हमारी वो होती हैं जो आवश्यक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, अब आजकल शिक्षा भी हो गई है, है ना, कि पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए ही उन्होंने दूसरों के साथ अंत्यक्रिया, मतलब इसी के साथ क्या होता है कि दूसरों से अंत्यक्रिया बढ़ जाती है। जब अंत्यक्रिया बढ़ेगी तो समाज में अव्यक्तिक नियम तथा विधानों की जो आवश्यकता है, सामाजिक संबंध हैं, संबंधों के नियंत्रण के लिए होती है। यानी कह सकते हैं कि जो अव्यक्तिक नियम हैं तथा विधानों की जो आवश्यकताएं हैं, जो विधि विधान हैं उनकी आवश्यकताएं हैं, उनके सामाजिक संबंध हैं, उनके नियंत्रण के लिए व्यक्तिक संबंधों को निर्वाह करना अधिक जनसंख्या में संभव नहीं हो पाता था। इसके साथ द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खीम के चिंतन के महत्व को भी दर्शाया गया था।
उन्होंने बताया था कि एक सर्वदा भिन्न विषय को लेकर उसे नवीन वैज्ञानिक शाखा के रूप में स्थापित करने की कोशिश जो इस प्रकार थी कि आनुभाविक विधि संगत हो, जिस प्रकार से सामाजिक तथ्य के रूप में विभिन्न प्रकार की सामाजिक एकता पर और दूसरी साथ ही साथ दूसरी जो थी वो आपकी जो पहली ये हो गई ना सामाजिक तथ्यों के रूप में विभिन्न प्रकार की सामाजिक एकता की जो पर चर्चा की गई, उसके साथ ही साथ जिनकी बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, सामाजिक एकता होती थी, उनके उद्देश्यों, सामाजिक संबंधों के धर्म निरपेक्षी विश्लेषण, यानी इन्होंने धर्म निरपेक्ष विश्लेषण की भी बात करी थी और उसमें समाजशास्त्र को समाज में एक नवीन विज्ञान के रूप में इन्होंने स्थापित करने की नींव डाली, कि इन्होंने डाली दुर्खीम ने डाली। ठीक है, ये हमारा जो है दुर्खीम का संक्षेप में कह सकते हैं, दुर्खीम के बारे में हमने आपको जानकारी दी और हमको उम्मीद है कि आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।